किन्नौर के नुगलसरी के पास हुए भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कई लोगों की अभी भी दबे होने की आशंका है, जबकि 17 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। किन्नौर के नुगलसरी में शुक्रवार को दोपहर 4:30 बजे मंडी से रिंगापियो जा रही HRTC बस पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक और हादसा हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भाई बहन का जो त्यौहार है रक्षाबंधन, उसकी सभी को शुभकामनाएं। इस भाई बहन के त्यौहार को हम प्रेम और सद्भाव के साथ में मनाएं। हादसे में एक महिला और एक युवक घायल होने की सूचना है। दोनों घायलों को भावनगर अस्पताल में रेफर किया गया है। सर्च ऑपरेशन में शामिल खोजी कुत्ता भी पत्थर गिरने से घायल हो गया। हाईवे को फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लापता लोगों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुक्रवार को भी चलाया गया। इस दौरान शिमला से मंगवाए गए खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया गया। पत्थरों और मिट्टी के बीच दबे लोगों को खोजने के लिए जिला प्रशासन ने खुदाई मशीन को लगाया है। 200 मीटर खड़ी चढ़ाई पर सड़क बनाकर दोनों तरफ से लापता लोगों को खोजा जा रहा है। सर्च अभियान में जुटी टीमों के लिए सतलुज जल विद्युत निगम खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। लापता लोगों के परिजनों को ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। उधर शाम करीब 4:30 बजे पहाड़ी से फिर पत्थर गिरने के बाद बचाव अभियान बंद कर दिया गया। अब शनिवार सुबह फिर से शुरू किया गया है।